तो अभी मैं यहाँ से जो भट्ट है उन्हें ले जाऊंगा घर, दिया ना और ये ये अभी फोटो बात बढ़िया। भाभी को बिल्कुल फोटो पे फोटो खींचना आ रहे क्योंकि तुम यहाँ हाँ काम काज पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है? देहरादून नहीं है ये गांव है। नहीं सर रही ना बता, ऐसा घमंड है हमारी भाभी पे देहरादून की वाली पे। अब सास और देवर काम कर रहे हैं और भाभी ये देखो फोन पे लगी हुई है। ये है आजकल की बुआरी, शादी कर लो इससे अच्छा। शादी के लिए रे पहाड़ों में बुआरी नहीं मिल रही न, लड़कियों को बल देहरादून जाना है और मेरा देहरादून में घर मकान कुछ नहीं है, इसलिए मैं खुद ही कर रहा हूँ। भाभी बड़ी मुश्किल से देहरादून से घर आ रखी है ना, है ना भाभी? हाँ बोल देखो काम के लिए भाई भाभी को ना बोला जाए तो बिल्कुल काम चोर है मेरी भाभी। पाड़ी पाड़ी मत बोलो जी, मैं तो देहरादून वाली हूँ, घर में असूज का महीना लगा है इसलिए मैं घर आई हूँ। हाँ सुबह सुबह भाभी यहाँ पर पहले तो झाड़ू लगा रही है, पहली बार झाड़ू लगा रही है भाभी आज। और बाहर की मौसम की बात की जाए देखो पूरा आसमान नीला और कांच, तो बिल्कुल बादल नहीं है भाई, साइड पे बादल हैं हल्के हल्के, बाकी सूर्य देव ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं और साइड साइड है बादल, बाकी पूरा हल्के हल्के बादल हैं हल्के हल्के, बाकी साइड से भी तो बीच में बिल्कुल नीला आसमान। और सफाई होगी इसके बाद, यहाँ पर लिपाई होगी बढ़िया से और जो मंडवा है उसे यहाँ पर डाल देंगे सुखाने के लिए, तो अब मंडवे की भी मनाई करेंगे। लवाई तो एक दो खेत रह गए हैं, साथ में हमने यहाँ पर भट ले रखे हैं और ये भी सुअर की वजह से हमने कच्चे ही ले दिए हैं, ये वैसे अभी इतने खास पके नहीं हैं बट ये है कि ले दिए हैं। बाकी यहाँ पर झुंगुरा है, हमने कल बारिश हुई थी तो उससे ढकाए हुए हैं, रात को पूरा बारिश का मौसम बना हुआ था। साथ ही आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, तो हेलो गाइस द गुड मॉर्निंग नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो ब्लॉग में। सुबह के करीब अभी 8 बजे हुए हैं और अभी तैयारी है नाश्ता करने की, इसके बाद देखते हैं क्या होता है आज, बाकी अभी तो कोई प्लान है नहीं मेरा कहाँ जाना है, तो अभी नाश्ता करते हैं इसके बाद मिलते हैं आपको। ले काना बिल्कुल आज दूर दूर भाग रहे हैं, आ इधर आ, हेलो हेलो बोल, हेलो। साथ में मम्मी यहाँ पर देखो राई के बीज ढूंढ रही हैं और इसमें पूरे बीज खाज रहते हैं हमारे, देखो छोटे छोटे जैसे ये सफ़ेद बाटे सोयाबीन कह सकते हैं, ये है राई के बीज तो है। अब राई बाबा यहाँ पर देखो राई की बीज है, अब पापा ने देड़ देड़ बुद दिया है और राई और देड़ के बीज एक जैसे रहते हैं, बिल्कुल ब्लैक से दाने दिखाएंगे आपको। देखो ए देखे ऐसे रहते हैं, सेम दाने रहते हैं दोनों के। और यहाँ पर देख सकते हो राजू भाई भी उठ चुके हैं, अब हो रही टाइम उठ रहे हैं, देख सकते हो 5 बजे से उठा हूँ मैं। क्या किया 5 बजे से? तूने क्या किया? मैंने थोड़ी उठा, मैं उठ गया तो कैमरा हाथ में ले रहा है। मैं अभी उठा पर गांव में और मैंने वहां पर धान कुटाने के लिए भेजे थे तो चावल लेके आने वहां से। बाकी देखो मौसम इस समय किस प्रकार से देखने को मिल रहा है, किनारों पे तो बिल्कुल बादल आ चुके हैं पीछे से और हमारी भाभी जी जा रही है घास के लिए, हेलो। और आजकल असूज का महीना है तो सभी लोग काम पर लगे हुए हैं और काम इतना सारा बढ़ जाता है इस बार खेतों का कि सभी लोग सुबह ही अपने कामों के लिए चले जाते हैं, जैसे मंडवा लेने, घास काटने, नयों काटने, पराल बांधने, बहुत सारे काम हैं, मिर्ची निकालने, तो सभी काम के लिए चले जाते हैं। तो और मैं जा रहा हूँ ऊपर, अभी मैं यहाँ पर किसी के घर पर जा रहा हूँ और बताओ तंबाकू पिया जा रहा है यहाँ पर मस्त से। अब गुड 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 दूर जान गजब हाँ तो अरे
अभी न्योड़ धोवा ले अभी ही हां घी छोला गई और का सब चेक तब जब पास नोवल तो बना सा मैंने है तो ले ना नहीं ना चौ पे दान को बोल दे बाकी यहाँ पर इनके देखो मंडवा अंदर सुखा है अंदर डाला हुआ था तो देखो किस प्रकार से बिल्कुल यहाँ पर काला पड़ चुका है मंडवा। चार पांच दिन लगातार बारिश हुई। फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं, सामने जाना अगर वो कोई घर में होंगे या नहीं होंगे देखते हैं। देखो इन्होंने भी बिल्कुल मंडवा सुखाने डाला हुआ है। ए सुमित, सुमित भाई क्या कर रहा? ये है भाई धान कूटने वाली मशीन और सामने ये क्या क्या मशीन जरा आटा का है एक झुंगरा का है शायद। तो आप चलते हैं घर चलते हैं भाई। ये था भाई यहाँ पर धान कुटाने, इसमें पूरा कट्टा दिया था इसके पास, इसने आधे से भी आधा कट्टा दे रखा है वापस। तो अब चलते हैं, पहुँच चुका हूँ घर पे, खेत होके आ जाता हूँ एक बार। तो क्या पता खेत में काम हो, और चलते पहले अभी खेत में चलते हैं भाई। पहले तो इस रास्ते चलेंगे, ये है यहाँ से खेत, हमारे खेत के लिए शॉर्ट रास्ता। बाकी व्यू देखो यहाँ पर का कितना प्यारा सा आ रहा है, और सामने जो देख पा रहे होंगे ये हमारे गांव का बरात घर सामने, और यहाँ से लोगों की यहाँ पर देख सकते हो मिर्च लगाई हुई है, और लाल मिर्च तो इन्होंने टीप ली है, और हरे हरे मिर्च बची हुए हैं। पर चलते यहाँ से नीचे, अब रास्ता बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है ये। यहाँ पर देखिए इन्होंने भी अपना मंडवा सुखाने के लिए बाहर पे रखा हुआ है, और यहाँ से सामने है हमारा खेत, देखते हैं किस साइड से, उस साइड से ले रहे हैं तो उस साइड चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो मंडवा बड़ा ही प्यारा हो रखा है ये देखिए, और यहाँ पर स्वर कम आया हुआ है अभी तो, इस साइड तो नहीं आ रखा है उतना, उस साइड देखते हैं उस साइड क्या पता आया हो हमारी भाषा में, और उसमें पता है हिंदी में पता है क्या बोलते हैं इसे भाई। इसकी दाल होती है बड़ी अच्छी, और कच्चा बहुत प्यारा होता है, इसका स्वाद बड़ा ही मस्त होते हैं कच्चे में। यहाँ पर पूरा बोए हुए हमने, यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ खेत में, और ये हमारे भाई जी हैं। भाई कैसा लग रहा आपको? भाई जी प्रणाम बोल पहले। भाई जी प्रणाम, आशीर्वाद, चिरंजीव। कैसा लग रहा है, शादी कर लो इससे अच्छा? शादी के लिए रे पहाड़ों में बुआरी नहीं मिल रही ना, लड़कियों को बल देहरादून जाना है, अब मेरा देहरादून में घर मकान कुछ नहीं है, इसलिए मैं खुद ही कर रहा हूँ, और जितना मैं कब का खर्चा करूँगा उतना मैं खुद खा पी लूँगा तो ज़्यादा काम कर पाऊँगा। तो ये है मेरे से लोगों के नखरे नहीं उठाए जाते हैं। अच्छा, नखरे नहीं उठाए जाते हैं, और भाई कैसे उठाते भाभी के नखरे पे है? भाभी बड़ी मुश्किल से देहरादून से घर आ रखी है ना, है ना भाभी? हाँ बोल दे कोई काम के लिए भाई भाभी को ना बोला जाए तो बिल्कुल काम चोर है मेरी भाभी। भाई एक इसमें एक गाना हो जाए, पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो जी, मैं तो देहरादून वाली हूँ, घर में असूज का महीना लगा है इसलिए मैं घर आई हूँ। वाह वाह वाह, ना तो किसी ने बुलाया मुझको, ना तो किसी ने भेजा है, खुद मुझे दया आ गई इसलिए मैं पहाड़ आई हूँ। ये है मेरे भाभी के लिए, ये गाना डेडिकेट है मेरी भाभी के लिए, और इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, और इस बेसुर को भी सुर की ताल में लिया जाए। झूमर अच्छा, किस कैसा हो रहा है इस बार? अच्छा तो है, पर हमको भी बना दिया है। ये बात तो है भाई, मम्मी मेहनती तो है और साथ में हमें भी बना दिया, देख लो यहाँ पर हमें भी खेत में बुलाए हुआ है, और यहाँ पर मेरे भाई को बिल्कुल एक्सपर्ट बनाए हुआ है खेती के काम में। बहुत बड़े खेत हैं तो घर के नज़दीक ही बहुत बढ़िया खेत है, ये तो बहुत बड़ा खेत है, इतना बड़ा खेत तो अगर हमारा देहरादून में होता तो हम करोड़पति होते शायद। ये तो बात सही है, 1800 एकड़ जमीन है हमारे पास, पूरे इतने बड़े बड़े खेत हैं ना सब के सब। अगर पहाड़ों की बात की जाए तो हमारे पास 120 नाली जमीन है।
अच्छा पहाड़ियों में ना 120 नाली बीज बोते हैं। 120 नाली जमीन है, मुझे पता नहीं है नाली के बारे में। नाली के बारे में ये होता है कि 120 नाली बोते हैं हम खेत। अच्छा बीज में बोए जाते हैं, बीज बोए जाते हैं। अच्छा मतलब 120 नाली बीज बोए जाता है, जितने खेतों में उतनी खेत नापा जाता था पुराने जमाने में, अब तो हेक्टर गज इस चीज में नापा जाता है। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ पानी लेने के लिए, इनको प्यास लगी भाई, मेरे खेत में आते ही इन्हें प्यास लग जाती है। कहाँ है मम्मी वो बोतल, कहाँ है? बोतल का है पानी की मम्मी? अबे यू आना है कोको में बोतल, और सामने हमारा नेचुरल धारा का पानी, तो वहाँ पर जाऊँगा मैं पानी लेने के लिए अपने धारे की पनियार में। और यहाँ पर बरसात के समय बहुत ज़्यादा पानी आ गया, उस साइड से भी इतना पानी बह रहा है, और यहाँ से भी और उस साइड से भी पानी बहुत बढ़ गया इस बार, तो पानी भर लेता हूँ मैं पहले। और पहले तो मैं पी लेता हूँ यार पानी, यहाँ का पानी पिए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, और यहाँ का पानी का ना स्वाद ऐसा रहता है, अगर हम एक बार पिएंगे ना बार बार इस पानी को पीने का मन करता है, पता नहीं क्यों बट ऐसा ही है। फोटो खींची मेरा फिर। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ से जो भट है उन्हें ले जाऊंगा घर, और अभी भाभी को बिल्कुल फोटो खींचना आ रहे क्योंकि तुम यहाँ काम काज पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है? देहरादून नहीं है ये गांव है। ऐसा घमंड है हमारी भाभी पे, देहरादून की वाली पे, और घर वाली भाभी रहती ना दोस्तों, जितना भी हो सके गाँव से शादी करवाना, देहरादून से मत करवाना। ऐसा घमंड है, देखो फोन पर लगी है और उधर सास काम कर रही है, देख सकते हो सास और देवर काम कर रहे हैं, और भाभी ये देखो फोन पर लगी हुई है। ये है आजकल की बुआरी, और एक वो जमाना था, मैं पहले क्या होता था, पहले सास के सामने बुआरी कैसे रहती थी? ऐसे झुक कर रहती थी, ऐसे झुक कर, ऐसे झुक कर रहती है। अब कैसे रहती है? ऐसे। अब हाथ में क्या रहता है? दरांती या फोन? देख सकते हो मेरी मम्मी भी बोली, आप भाभी खुश हो रही है, तो ये देखो ये देखो गाने लगाने पे लगी है, और उधर देखो सास कितना आगे चली गई है, लेते लेते वो आदमी यहीं पर ही खड़ा हो रखा है, और देवर कितना आगे चला गया। वो तो मेहनती है ना, तो तुम काम चोर हो ना? नहीं। तो भाभी बहुत काम चोर है, मैंने पहले ही बोला था आपको ब्लॉग में, चलो आप अपना काम कर लेते हैं यार, अब लोगों का क्या है कि काम चोरी के चक्कर में हम भी काम चोर हो जाएंगे, इसलिए दूरी बनाए रखना है और अपने काम पे ध्यान देना है। और क्या कर रहे हो वहाँ पर से? बिल्कुल काम पे ध्यान नहीं है भाई उसमें। वहाँ तो मैं ये जो भट है ना इन्हें ले जाऊँगा, और सुअर ने बिल्कुल कुछ नहीं रखा इन पर, खाली घर में बोझ ले जाना है ये, और कुछ नहीं है भाई सच्ची में। यहाँ पर देखो इस पर बहुत कम दाने हैं, बिल्कुल दाने सुअर ने खा दिए सब के सब, तो सुअर ने सब बर्बाद कर दिया भाई पहाड़ों में खेती करने का, तभी लोग पलायन कर रहे हैं इसी कारण। मुझे लग रहा है लोग पलायन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, देखो खेती में कुछ हो नहीं रहा है, स्कूल यहाँ पर है नहीं, हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ पर है नहीं, कुछ है नहीं, तो इस कारण भी लोग यहाँ पर देख सकते हो कि किस प्रकार से पलायन कर रहे हैं। तो मैंने रस्सी पर लगा दिए हैं भट, और इन्हें उठाऊँगा मैं, उठ पाएगा नहीं उठ पाएगा यहाँ पर भाई, बहुत भारी भी हो रहे हैं, कच्चे हैं ना हरे हैं तो भारी तो होंगे ही। तो फाइनली बाहर तो उठ चुका है, अब चलते हैं यहाँ से ऊपर। तो फाइनली दोस्तों घर में पहुँच चुका हूँ मैं, बैलों को भेजने जाना है अब, तो चलते हैं बैलों को भेजने, ग्वाला भेज देंगे, और जो फूल लेते ना बहुत मीठा स्वाद आता है इसके, जो नीचे निचले हिस्से में रहते हैं ये देखिए, बहुत ज़्यादा रस है इनके नीचे, इन फूलों के नीचे बहुत ज़्यादा रस है भाई, बहुत ज़्यादा रस है। तो दोस्तों मंडुआ लेने के बाद लंच किया, और उसके बाद मैं चला गया था ग्वाला, तो इससे आगे का ब्लॉग नहीं बना पाया मैं, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो ब्लॉग के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और आपको ऐसी वीडियो देखने पसंद आए तो और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, मिलते हैं नए वीडियो ब्लॉग के साथ, बाय बाय।